नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के पास मलेका गांव में। साथियों, मेरे आने का कारण यह क्योंकि मानवता शर्मसार हो चुकी है और कलयुग आ चुका है। साथियों, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, जो जो साथी जुड़ रहे हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नाथ जी, आप दे सकते हैं, इनकी पत्नी को लेकर इनके चाचा का बेटा फरार हो चुका है। साथियों, आप दे सकते हैं, मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार हो चुकी है और उसके बाद में नाथ जी हैरान है, परेशान है और सदमे में है। नाथ जी कह रहे हैं कि मानवता शर्मसार हो चुकी है और रिश्ते तार तार हो चुके हैं, कलयुग आ चुका है। कलयुग की तस्वीरें दिन प्रतिदिन मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से नाथ जी की पत्नी को लेकर उनका भाई, रिश्ते में भाई लगता है, वो फरार हो चुका है और दो बच्चों को लेकर फरार हो चुका है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से इनका ही भाई, इनके चाचा का बेटा इनकी पत्नी को लेकर फरार हो चुका है। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? उसका नाम है जी प्रियंका। आपका? मेरा नाम वकील है जी। हाँ जी, ठीक है। मेरा भाई है, एक तोड़ा सोना। ठीक है जी, एक तोड़ा उसके गले में सोना है, 50,000 रुपए लेके। सोने की छोड़ो, पत्नी और बच्चे की चिंता करो। उसके बच्चे दो, मेरे लड़के परिवार है, लेके साफ हो गया वो। कल गए 8-9 बजे के टाइम बाबू जी, अभी तक थाने में दरखास्त मन दी है, अभी तक वो आए नहीं है। ठीक है, उसकी बहन बोल रही है मैं अभी पहुँचाती हूँ। ठीक है, अभी तक आए नहीं वो। उसका पिताजी को मैंने फोन किया, सबको फोन कर दिए मैंने, पर ये बोला अभी आ रहे, 5 मिनट में आ रहे, कभी 10 मिनट के अंदर आ रहे, पर अब तक जी नहीं पहुंचे वो। पहले भी आपकी पत्नी कभी फरार हुई है उसके साथ? 3 बार हो चुकी जी वो, पहले चौथी बार जी है। चौथी बार गई है? चौथी बार उसी के साथ गई है? नहीं नहीं, उसके साथ नहीं, पहले भी 2-3 बार मार ले, उसी के साथ गई जी वो। हाँ जी, तो आपने रोका नहीं, उसको समझाया नहीं भी मैं भाई लगता हूँ, ये तेरी भाभी है, इसको मत लेकर जाओ? समझाया मैंने जी बहुत ही बार उसको। हाँ। पर जी मेरी बात मानती नहीं वो। हाँ। वो कहती मैं भाई है, आने जाना रहता हमारे साथ। हाँ। मैं कहा ठीक है, बहन भाई है, आते रहने दो, मेरे को ये अब क्या पता, बाहर को भाग जाएगी वो। अब वो लड़का है जो आपका भाई है, वो घर पे भी आना जाना था, घर पे भी आता था वो? हाँ जी आता साहब। हाँ। आता जी वो, फिर आ रहा था, आना जाना था उनका। मैंने सोचा मेरे को भाई है, उसको मारा कूटा मैंने, उसको समझाया मैंने प्यार से, बहुत ज्यादा समझाया। वो कह रहे 1 साल हो गया मैंने समझाया उसको, मुको वो बोलने लगी ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुको जी ठीक है, तो 2 साल से मैं मेरी घरवाली को लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, जितने पड़ोसी सबको पता है इस बात को। ये देख सकते हैं साथियों, किस तरीके से मानवता शर्मसार हो चुकी है और किस तरीके से नाथ जी की पत्नी ही इनके चाचा के बेटे यानी इनके भाई के साथ फरार हो चुकी है। मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है। पत्नी की फोटो दिखाओ। ये देख सकते हैं साथियों, इनकी पत्नी दो बच्चों को लेकर साथियों फरार हो चुकी है। दो बच्चों, इनके दो बच्चे हैं, उनको लेकर फरार हो चुकी है। उसके बाद ये व्यक्ति सदमे में है, हैरान है, परेशान है और मजनू की तरह ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गली गली में घूम रहे हैं और परेशान है। और किस तरीके से, और फोटो दिखाओ, ये लड़का है, ये लड़का इनकी पत्नी को लेकर गया है। सभी साथियों से गुजारिश है, जो जो साथी जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर कर दें। ये लड़का लेकर गया जी? हाँ जी, ये वाला। कितने साल से चक्कर चल रहा है आपकी? डेढ़ दो, मेरी बात सुनो जी, मेरे को पता नहीं, 1.5-2 साल से चक्कर चल रहा है। मैं बहुत समझा, मैं आपको उसको बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, मेरे को जी नशे की गोली खिला के चला देते जी। ठीक है, आपकी माँ कौन सी है आपकी? हाँ जी, क्या पूरी कहानी क्या बताएं? माँ चकले को जी, ऐसे ही है बात, बात जाती है लड़के को नशे की गोली देके सलाह देती है और उस लड़के के गल बात जाती है। बस क्या करें, मैं भी देख लेती हूँ, फिर मैं क्या करूँ बेटा, मेरे के अख्तियार है, मैं झगड़ा लड़ाई हो जाएगी, फिर मैं ऐसे करूँ तो मैं बताती कौन, डरती इसको, फिर आप पकड़ लेता है जब फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फिर इसको रोड़ा बंद कर देती हूँ, मुको खटी कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं रोड़ा ना हो जाए, बस अब वो फरार हो। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं जी ये कहना चाहता हूँ, इनसा जी 1 साल से इलेक्शन चल रहा है जी। ठीक है, उस लड़के को भी बहुत समझाया, इस लड़की को भी बहुत समझाया जी। उन्होंने भाई कल 6 बजे उन्होंने रात की मीटिंग की हुई थी, रात को 11 बजे
ठीक है जी, मीटिंग करी हुई थी उनको पूछा जी, फिर उसकी बहन को पूछा जी, भाई भी ऐसे ऐसे बात है, आप मुझे बताओ ये फरार तो नहीं होना चाहते। उन्होंने बोला जी ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो इनका इलेक्शन करते करते इनकी 11 बजे रात को मीटिंग होगी जाने के लिए। ठीक है जी, ये गए हैं एलनाबाज, एलनाबाद से पता नहीं कहाँ फरार हो गए जी, कल 6 बजे से। वो लड़का घर में आता जाता था जी? हाँ आता था, और ही सो जाता था। हाँ कहता ताई ताई, मेरे से क्या पता ऐसा सो जाता। जब ये लड़का ना होता ना, जब उसकी सास सो जाता था इस मकान में, जब फिर मैं लड़ाई झगड़े से डरती। अच्छा जी, आपका बेटा नहीं होता था तो उसके साथ लड़की के साथ सो जाता था? हाँ उसके साथ जी, उसको जी नींद की गोलियां देता था जी, इसको भी और इनको भी जी। दूसरी बात ये, उन्होंने ये बोला इनको धमकी दी, भाई जो हमारा करना चाहते है वो कर लो। फिर इन्होंने सोचा अच्छा, उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप को फोन किया तो उन्होंने कह दिया हमारे तो हाथ खड़े हैं जी, उनके भी हाथ खड़े कर आई। तो इनको पूछा भाई आप क्या करना चाहते हो, ये सोचा बेचारा बस जाएगी। उस लड़के ने बसने नहीं दिया, उसने ऐसा झांसा दिया उसको, इसके पैसे भी लेके फरार होगी, जो गहने गट्टे थे जी वो भी फरार लेके होगी। ठीक है जी, बाकी बाद की बात इन्होंने बोला भाई कोशिश करते हैं लेने के लिए, या एक कल परसों करते रहे कोशिश इनको मनाने के लिए। वो आईडी प्रूफ जितना था इनका, लड़कों का, दो लड़के और आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा कुछ लेगी एक भी। अच्छा, बाकी पैसे थे, गहने थे, वो सारे लेके फरार होगी। वो तो सर जी यही बोलती है कि बस मेरा तो आप लोग मेरा, वो लड़का जो भगा के लेके गया ना, तो वो ये बोलता है कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ऊपर से धमकी देता है जी, आप लोग मेरे को, मैं कहीं भी लेके जाऊं, कहीं भी घूमूं, लेकिन मैं तो इसके साथ शादी करवाऊंगा, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो इसके दो बच्चे हैं? हाँ तीन है बच्चे, एक तो नानी नानों के पास है, दो लेके फरार हुई है वो। दो लेकर फरार? हाँ जी। कब से फरार है? कल से फरार है। अगर आपकी बहू फिर वापस आ जाए, फिर आप उनको अपने घर रख लोगे? और रख लेंगे, मेरा लड़का मर जाएगा, रख लेंगे और क्या करें। इसको थोड़ा थोड़ा दूर कर दे तो रखे, उसने मैं भी कहा चोरी चप्पे से रखी रख, लड़के के सामने ना आ तू, और क्या करूँ बेटा, डरती मारी मेरे से तो पता था लड़के के सामने ना, चोरी की गोलियां दे दे के इसका हाल देखो क्या बना रखा इसको। मम्मी को तो नींद की गोलियां दे दे के बेहोश कर देती है, इसका हाल देखो। देख भी लेती तो शोर नहीं करती, क्या शोर करूंगी, लड़ाई हो जाएगी चाचे का, एक दूसरे लड़के मर जाएगा। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से मानवता शर्मसार होती हुई नजर आ रही है, और किस तरीके से मलेका गांव से मैं आपको सीधी और लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर एक देख सकते हैं सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और किस तरीके से आप देख सकते हैं एक नाथ जी और दूसरे नाथ जी की पत्नी को लेकर फरार हो चुका है, मानवता शर्मसार हो चुकी है, देख सकते हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सगा भाई चाचा का बेटा इनकी पत्नी को लेकर फरार हो चुका है, पीछे पीछे आता था, इनके ये घर पे नहीं होता था तो पीछे पीछे आता था और इनके घर पे ही रात को सो जाता था, ऐसा इनकी माँ का कहना है। इनकी माँ का कहना है कि वो लड़का आता था और इनके घर पर रहता था, अब वो वापिस आ जाए तो आप उसको रख लोगे? देखेंगे जी, वो तो आने के बाद देखेंगे जी। आप उनको क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वो आने के बाद देखेंगे जी। नहीं, अगर वो आ जाए तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये रख लेंगे जी। रख लोगे? हाँ जी। कोई कुछ ताने तो नहीं दोगे? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं जी। एक बार उस कुछ नहीं कहते जी, ये तो कहते हैं आ जाए बसा लेंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे उनको, ना लड़के को कहेंगे ना लड़की को कहेंगे, एक बार घर पे आ जाए उसको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, एक मैं ये राजगढ़ के पास ये एक महीना रह के आए जी, वो लड़की और वो लड़का, पवन और प्रियंका, एक महीना तक रहे। गलती आपकी भी है, आपके इनकी माँ को पहले से ही पता था कि इनका चक्कर चल रहा है, फिर बात क्यों छुपाई, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता? मैंने जी उसको पलानी के अंदर है दरगाह दर्द शरीफ, वहाँ पे ये एक महीना रह के आई है, वहाँ पे उसकी है नानी, उसको सब कुछ पता है, वहाँ पे एक महीना रह के आई मेरी घरवाली है वो लड़का। ठीक है, आज वो लेके फरार, उसको सब पता है कहाँ पे। नहीं, अगर आप पहले रोक लेते, आपकी मम्मी को पहले ही पता था, आपकी माँ को पहले से ही पता था? को नहीं पता है, मेरी घरवाली को, जो मेरी घरवाली की जो नानी है ना, उसके बारे में पता है। मैंने सोचा चाचे का लड़का परिवार है,
बैठ जाएगा। कह रहे थे ना भी मेरे को पहले से ही पता था। ना मेरे से नहीं पता कि भाई ये गलत काम है, मैं कैसे आ जाता ऐसे थोड़ी होता है, रात रात को रुकना, ये घर पे नहीं होता था। अताई सास सके मेरे डोर का लड़का है, मेरे से क्या पता। ये देख सकते हैं साथियों, मानवता शर्मसार किस तरीके से इन्होंने अंधा विश्वास किया, आंख बंद करके विश्वास किया और उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया। आंख बंद करके विश्वास दिया, विश्वास किया और विश्वासघात कर दिया उस व्यक्ति ने, और इनकी पत्नी को लेकर चला गया और इनका परिवार का, इनके चाचा का बेटा इनकी पत्नी को लेकर चला गया, फरार हो गया। अब ये सदमे में है, हैरान है, परेशान है और लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके मुझे मेरी पत्नी को लौटाया जाए, मेरे बच्चों को लौटाया जाए, मेरा मन नहीं लगता। आप देख सकते हैं ये रो रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों ये रो रहे हैं, किस तरीके से ये सदमे में है, रो रहे हैं, रात से लगातार रो रहे हैं, लेकिन ये हंसी बाहर की हंसी है। आप रो रहे हो? हाँ जी रो रहे हैं, रो रहे हैं साहब। मैं उनको भाग भाग के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, कभी कहीं कभी कहीं, उनको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा हूँ मैं, कभी कहाँ जा रहा हूँ कभी कहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ जी, आपकी पत्नी को आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे, ये वीडियो आपकी पत्नी देख रही होगी? मैं ये सोच रहा हूँ जैसे गई वो वैसे घर पे, कोई दिक्कत बात नहीं, उसको ना लड़ता ना मरता, कोई परेशान। हाँ जी पक्की बात है, कुछ नहीं कहते, पक्की बात है बेटा, नहीं कहते हमारे बल बच्चे का घर बसा देंगे, बसा लेंगे जी। ना मारेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, कुछ नहीं, जैसे गए वैसे आ गए। लड़का लेकर गया उसको भी कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं कहते हम, उसको तो दूर कर दे, उसको तो दूर कर दे बेटा, थोड़ा आंख लोप कर दे एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ उसको मारे कूटेंगे नहीं, जैसे गई वो घर पे आए मेरे, ठीक है, उसको ना लड़ाई ना झगड़ा साहब, ठीक है, इतनी बात है बस। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। आप देख सकते हैं नाथ समाज में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही मुसीबत और बहुत ही गंभीर बात। मेरे घर की देख लो वीडियो, ये साहब मेरा घर है, ये जो मेरा घर है, ये घर है। मेरी बात सुनो जी, मैं उनका चक्कर बहुत दिन चल रहा है, मैं उनको बहुत ही ज्यादा अंदर कहती हूँ, भाई है, भाई मान जाएगा भाई, लेकिन माना नहीं है, तीन बार पहले भाग चुका है, पर भाई को मैंने समझाया, भाई घर में बात बन जाएगी यार, वो भाई माना नहीं है। अब मेरे बच्चों को लेकर फरार हो चुका भाई साहब, उनकी आपको फोटो दिखा चुके मैंने। हाँ जी एक बार फिर से फोटो दिखाओ, ये देख सकते हैं साथियों किस तरीके से इनकी पत्नी को लेकर, आप देख सकते हैं इस नाथ जी की पत्नी को लेकर इनके चाचा का बेटा यानी इनका भाई फरार हो चुका है। उसके बाद ये गुहार लगा रहे हैं अपनी पत्नी से सोशल मीडिया के माध्यम से कि कृपया करके वापिस लौटा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, और अपने भाई को भी कुछ नहीं कहूंगा। नहीं जी कुछ नहीं कहेंगे, आना जाना बंद करवा दोगे उसका? हाँ जी हाँ जी, आना जाना तो बंद होगा, आना जाना तो जी बंद होएगा, जो ऐसे काम करेंगे तो बताओ जी, सर चीज लेके भागेगा, हमारी इज्जत लेके, तो आना जाना तो बंद होएगा, फिर भाग जाएगी, फिर उसका कौन जिम्मेवार है? सर जी जो फिर भाजगी तो उसका कौन जिम्मेवार है? वो डिमांड सोच समझ के जी थोड़ा घर में बसे। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, और आप देख सकते हैं मानवता शर्मसार, और कलयुग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कलयुग की तस्वीरें बढ़ती जा रही है, और इस कलयुग में रिश्ते नाते सब कुछ खत्म होते जा रहे हैं, रिश्ते नाते नाम की कोई चीज नहीं रही। पहले रिश्ते हुआ करते थे, मानवता हुआ करती थी, लोगों के अंदर इंसानियत हुआ करती थी, लेकिन अब इंसानियत, मानवता और रिश्ते सब कुछ तार तार हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, किसी को रिश्ते से कोई लेना देना नहीं रहा, और दिखावटी दुनिया हो चुकी है। इसका उदाहरण ये नाथ जी है, इनकी पत्नी को लेकर, इनका ही भाई, इनका चाचा का बेटा लेकर फरार हो चुका है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।